ओम शांति। 1 अक्टूबर 2022 के महावाक्य हैं, मीठे बच्चे आपस में एक दो का रिगार्ड रखना है, अपने को मियां मिट्ठू नहीं समझना है। बुद्धि में रहे जो कर्म मैं करूँगा, मुझे देखकर सब करेंगे। प्रश्न, कौन सी अवस्था जमाने के लिए बहुत बहुत मेहनत करनी है? उत्तर, गृहस्थ व्यवहार में रहते स्त्री पुरुष का भान समाप्त हो जाए, मनसा में भी संकल्प विकल्प ना चले। हम आत्मा भाई भाई हैं, प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे भाई बहन हैं। यह अवस्था जमाने में टाइम लगता है। साथ में रहते विकारों की आग ना लगे, क्रिमिनल असॉल्ट ना हो, इसका अभ्यास करना है। माता पिता जो सर्व संबंधों की सैक्रीन है, उसे याद करना है। गीत, बदल जाए दुनिया ना बदलेंगे हम। ओम शांति। यह बच्चों की गारंटी व प्रतिज्ञा है। प्रतिज्ञा कोई मुख से नहीं की जाती है, जब बच्चे बाप को पहचान लेते हैं तो प्रतिज्ञा हो ही जाती है। हरेक इंडिपेंडेंट पुरुषार्थ करता है पद पाने लिए। स्कूल में सब इंडिपेंडेंट पुरुषार्थ करते हैं कि हम ऊंच पद पाएं। यहाँ आत्मा पढ़ती है और परमात्मा पढ़ाने लिए जीवात्मा बनते हैं, और इनमें प्रवेश कर इनको और ब्रह्मा मुख वंशावली को पढ़ाते हैं। स्वयं ब्रह्मा को मुख वंशावली नहीं कहेंगे, ब्राह्मण ब्रह्मा मुख वंशावली है, ब्रह्मा शिव की मुख वंशावली नहीं है। शिव बाबा तो आकर इनमें प्रवेश कर अपना बनाते हैं, यह भी क्रिएशन है। पहले ब्रह्मा को रचते हैं, विष्णु को नहीं रचते। गाया भी जाता है ब्रह्मा विष्णु और शंकर, विष्णु शंकर और ब्रह्मा नहीं कहा जाता है। पहले ब्रह्मा को रचते हैं, ब्रह्मा का ऑक्यूपेशन अलग है। यह हर एक बात समझने की है। इनको तो में माताश्च पिता कहा जाता है, तो वह निराकार है ना, तो साकार में मात पिता चाहिए। तब पूछते हैं, मम्मा को माँ है? कहेंगे हाँ। ब्रह्मा मम्मा की भी माँ है, ब्रह्मा की कोई माँ नहीं। यह माँ फीमेल ना होने के कारण सरस्वती को मम्मा कहते हैं। बाप पढ़ाते हैं तो यह भी पढ़ते हैं, जैसे तुम स्टूडेंट हो वैसे यह भी है। शिव बाबा कोई स्टूडेंट नहीं है। तुम बच्चे ब्रह्मा का मर्तबा भी देख रही हो कि यह सबसे जास्ती पढ़ता है, देखते हो यह बरोबर नज़दीक है। पहले किसके कान सुनते हैं? यह ब्रह्मा सबसे नज़दीक है तो कहेंगे कि मम्मा बाबा जास्ती पढ़ते हैं, फिर नंबरवार सब बच्चे पढ़ते हैं। भले ही बाबा कहते हैं जगदीश बच्चा मम्मा बाबा से भी अच्छा समझाता है। बाबा की मुरली पढ़कर धारण कर फिर गीता मैगजीन आदि बनाते हैं, क्योंकि यह शास्त्र आदि पढ़ा हुआ है, अंग्रेजी में भी होशियार है। इसको कहा जाता है रिगार्ड। स्टूडेंट को एक दो का रिगार्ड रखना है, बाबा भी रिगार्ड रखते हैं ना, तो फादर को फॉलो करना चाहिए। भले अभी 16 कला नहीं बनी है, नंबरवार तो होते हैं ना, कोई ना कोई भूले सब में होती रहती हैं, इसलिए अपने को मियां मिट्ठू नहीं समझना है। जैसे कर्म बाप करते हैं अथवा मैं करूँगा, मुझे देख सब करेंगे, तो एक दो का रिगार्ड रखना है। बाबा को भी रिगार्ड रखना पड़ता है। लोग कहते हैं कि यह स्त्री पुरुष को भाई बहन बनाते हैं, तो जो बुद्धिवान बच्चा होगा तो झट कहेगा कि परमात्मा के बच्चे तो सब तो भाई बहन ठहरे ना, प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे भाई बहन हुए ना, भाई बहन बनना अच्छा है ना। बाप के बच्चे बनेंगे तो वर्षा ले सकेंगे। वर्षा मिलना है शिव बाबा से, ब्रह्मा बाबा द्वारा, तो ब्रह्मा कुमार कुमारी बनना पड़े,
फिर कभी भी विकार में जा नहीं सकते, नहीं तो क्रिमिनल असॉल्ट हो जाए। बाबा कितना अच्छी रीति समझाते हैं, पवित्र रहने की युक्तियां भी बताते हैं। स्त्री भी कहती है बाबा, पुरुष भी कहते हैं बाबा, तो स्त्री पुरुष का भान टूट जाएगा। यह भी कहते हैं कि आदम और बीबी द्वारा सृष्टि की स्थापना हुई तो सब उनकी संतान ठहरे, भाई बहन ठहरे। कुमार कुमारी के लिए इतनी मेहनत नहीं है, जो सीढ़ी चढ़ गया है तो उनको उतरना पड़े, तो उतरने में मेहनत है। ऐसे नहीं दोनों को अलग अलग रहना है, सिर्फ कंपेनियन होकर रहो। सत्युग में कोई अपवित्र नहीं होते और वहाँ बच्चे का भी इंतजार नहीं होता है, यहाँ बच्चे का इंतजार करते हैं। वहाँ समय अनुसार आपे ही साक्षात्कार होता है। मनुष्य तो कहते यह कैसे हो सकता है, भल यहाँ के संपूर्ण विकारी कैसे समझें कि वहाँ निर्विकारी होते हैं। वहाँ देह अभिमान होता नहीं, यहाँ देह अभिमान रहता है। देह छोड़ने पर लोग कितना रोते हैं, वहाँ रोना होता नहीं। वहाँ समय पर साक्षात्कार होता है कि शरीर छोड़ जाकर प्रिंस बनना है। यहाँ भी तुम साक्षात्कार करते हो कि तुम भविष्य में जाकर महाराजा महारानी बनेंगे, श्री कृष्ण जैसा बालक गोद में देखते हो। साक्षात्कार से यह मालूम नहीं पड़ता कि सूर्यवंशी महाराजा महारानी बनेंगे या चंद्रवंशी, क्योंकि यह बिल्कुल नई बात है। इसलिए कहा जाता है कि पहले बाप को पहचानो। बाप कहते हैं देखो मैं कितना लवली हूँ, बाप कहते हैं कि सभी संबंधों की स्क्रीन मैं हूँ, मैं कहता हूँ मुझे याद करो। कहते हैं तो मैं माताश्च पिता, एक एक बात में निश्चय बिठाना चाहिए, परंतु कोई ना कोई बात में संशय आ जाता है, फिर राजाई पद पा ना सके। इसलिए बाप कहते हैं मन मना भव, बाप को याद करो तो तुम आशिक ठहरे। यह है रूहानी आशिक माशुक, यह पक्का करना चाहिए कि हम आत्मा परमात्मा की आशिक हैं। श्री कृष्ण सबका माशुक हो ना सके, श्री कृष्ण को सब याद नहीं करते हैं। यह बाप कहते हैं मन मना भव, अब मेरे पास आना है, नाटक पूरा होना है, घर जाना है, तो घर जरूर याद आएगा। हर एक बात की समझानी मुरली में मिलती रहती है, बच्चे मुरली नोट नहीं करते, फिर वही बातें बाबा से पूछते रहते हैं। मुख्य बात है आशिक और माशुक की। सभी भगत आशिक हैं क्योंकि परमात्मा को याद करते हैं। कहते मेरा तो एक दूसरा ना कोई, तुम बच्चे इस समय सब नई नई बातें सुनते हो, परंतु सुनते सुनते माया थप्पड़ लगा देती है, रावण कम थोड़े ही है। बाप सर्वशक्तिवान है, माया भी सर्वशक्तिवान है, आधा कल्प माया का राज्य चलता है। अब बाप कहते हैं पांच विकारों का दान दो तो ग्रहण छूटे, फिर भी एकदम छूटता नहीं है, कई दान देकर फिर वापस ले लेते हैं। यह पैसों की बात नहीं, विकारों की बात है। साधु संन्यासी पैसे के लिए कहते हैं कि दान देकर वापस नहीं लेना चाहिए, क्योंकि इसमें उनकी कमाई है। कई मनुष्य फिर संन्यासियों के पास जाकर कहते हैं बच्चा चाहिए, कहेंगे हमारी आशीर्वाद से हो जाएगा। अगर बच्चा हो गया तो कहेंगे हमने दिया, मर गया तो कहेंगे भावी। अगर एक का कुछ काम हो गया तो बहुतों का विश्वास बैठ जाता है, ऐसे उन्हों की वृद्धि होती है। एक तरफ अपनी महिमा करते, दूसरे तरफ भावी कहते हैं। तुम इस समय अननोन वॉरियर्स हो, वह जो अननोन वॉरियर्स होते हैं उनका यादगार बनाते हैं और बड़े बड़े जाते हैं। कहते हैं सोल्जर्स पर फूल चढ़ाओ, अरे जिसका पता ही नहीं उनका यादगार कैसे बनेगा। अभी तुम अननोन हो, फिर तुम वेरी वेल नोन बनते हो।
तुम्हारे मंदिर बनते हैं, अभी तुम गुप्त में ही राम राज्य स्थापन कर रही हो। अच्छा, मीठे मीठे बच्चे, सिकलदे बच्चे बने हो ना, 5000 वर्ष बाद मिले हो। किसी का गुम हुआ बच्चा मिल जाए तो माँ बाप को कितनी खुशी होगी। बच्चा भी बाबा बाबा कहता रहेगा, तो अभी विनाश होता है और तुम गुम हो जाते हो, अर्थात बाप से बिछुड़ जाते हो। फिर कल्प के बाद बाप से मिलते हो तो माँ बाप का कितना प्यार रहता है। आधा कल्प तुम सुख भोगते हो, फिर धीरे धीरे दुखी होते हो। सन्यासी कहते हैं ना, सुख काग विष्टा समान है, वह भी विकार के लिए कहते हैं। गुरु नानक ने भी कहा है, मूत पलीती कपड़ धोए तो कौन धोएगा। वह एक परमात्मा ही है जिसको कहते ही हैं एकोंकार। सिख लोग यह गाते रहते हैं। इस ज्ञान में तुम बच्चों की बुद्धि बड़ी सुदृढ़ चाहिए, क्योंकि आत्मा को जगाना होता है तो आत्मा भी सुदृढ़ बनती है। कोई कोई तो बहुत अच्छे सुदृढ़ बुद्धि हो जाते हैं। माताएं कन्याएं बहुत अच्छी खड़ी हो जाती हैं। नहीं तो माताएं बैठ पति को समझाएं, इसमें बड़ी हिम्मत और निर्भयता चाहिए। बाकी तो सब नरकवासी हैं, दुर्गति में हैं। वह तो भक्ति में खूब नाचते ताली बजाते रहते हैं, सदगति तो होती नहीं। तुम बच्चे सदगति में जाने के लिए बिल्कुल चुप रहते हो। नारद ने कहा, मैं लक्ष्मी को वरूं। वास्तव में लक्ष्मी को वरने के लिए तुम पुरुषार्थ कर रही हो, भगत तो वर ना सके। लक्ष्मी नारायण को कैसे राज्य मिला, कब मिला और वह अब कहाँ गई, ये सिर्फ तुम जानते हो। इसलिए तुम मंदिर में जाकर माथा नहीं टेकते हो, समझते हो कि हम ही लक्ष्मी नारायण बन रहे हैं। तुम्हारा माथा टेकना बंद हो गया है। वह कहते हैं यह नास्तिक है जो माथा नहीं टेकते। वास्तव में तुम ही आस्तिक हो, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। वह तो नास्तिक है जो परमात्मा को नहीं जानते। अभी तुम धन के बनी हो, फिर भी माया थप्पड़ लगा देती है तो आर्फन निधन के बन पड़ती है। भले ही बूढ़े हैं, परंतु माया उनको भी जवान बना देती है। माया के तूफान आते हैं। तुम्हें एक दो को हाथ पकड़कर सहयोगी बन इस नई यात्रा पर, बाप की श्रीमत पर चलते रहना है। सारा मदार है बुद्धि की यात्रा पर, अचल अडोल अंगद की तरह बनना है। अंत में वह अवस्था आनी है। अच्छा, मीठे मीठे सिकलधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की, रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की, रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते जी। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, एक दो का हाथ पकड़ सहयोगी बन बाप की श्रीमत पर चलते रहना है। बाप जो सर्व संबंधों की सैक्रीन है, उसे बड़े प्यार से याद करना है। दूसरा पॉइंट, जैसे बाप हर बच्चे को रिगार्ड देते हैं, ऐसे फॉलो करना है। अपने बड़ों को रिगार्ड जरूर देना है। वरदान, नथिंग न्यू के पाठ द्वारा विघ्नों को खेल समझकर पार करने वाले अनुभवी मूरत भव। विस्तार, विघ्नों को देखकर घबराओ नहीं, मूर्ति बन रहे हो तो कुछ हथौड़े तो लगेंगे ही। हैमर से ही तो ठोक ठोक कर ठीक करते हैं, तो जितना आगे बढ़ेंगे उतना तूफान ज़्यादा क्रॉस करने पड़ेंगे। लेकिन आपके लिए यह तूफान तोहफा है अनुभवी बनने के, इसलिए यह नहीं सोचो कि क्या सब विघ्नों के अनुभव मेरे पास ही आने हैं। नहीं, वेलकम करो, आओ। नथिंग न्यू का पाठ पक्का हो तो यह विघ्न खेल लगेंगे। स्लोगन, सत्यता की विशेषता हो तो आत्मा रूपी हीरे की चमक चारों ओर स्वतः फैलती है।
मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य। अगर कोई यह प्रश्न पूछे कि यह जो अपने कोई संगम समय ईश्वरीय नॉलेज मिल रही है वो फिर से अपने को सत्युग में मिलेगी, अब इस पर समझाया जाता है कि सत्युग में तो हम स्वयं ज्ञान स्वरूप हैं, देवता ही प्रारब्ध भोग रही हैं, वहाँ ज्ञान की लेन देन नहीं चलती। अब ज्ञान की जरूरत है अज्ञानियों को, परंतु वहाँ तो सब ज्ञान स्वरूप हैं, वहाँ कोई अज्ञानी रहता ही नहीं है जो ज्ञान देने की जरूरत रही। अब तो इसी समय अपन सारे विराट ड्रामा के आदि मध्य अंत को जानते हैं, आदि में हम कौन थे, कहाँ से आए और मध्य में कर्म बंधन में फंसे फिर कैसे गिरे, अंत में हमको कर्म बंधन से अतीत हो कर्मातीत देवता बनना है। जो पुरुषार्थ अब चल रहा है जिससे हम भविष्य प्रारब्ध सतयुगी देवताएं बनते हैं, अगर वहां हमको यह मालूम होता कि हम देवताएं गिरेंगे तो यह ख्याल आने से खुशी गायब हो जाती, तो वहां गिरने की नॉलेज नहीं है, यह ख्यालात वहां नहीं रहती। हमको इस नॉलेज द्वारा अब मालूम पड़ा है कि हमको चढ़ना है और सुख की जीवन बनानी है, फिर आधा कल्प के बाद अपनी प्रारब्ध भोग फिर अपने आप को विस्मृत कर माया के वश होकर गिर जाते हैं। यह चढ़ना और गिरना अनादि बना बनाया खेल है, यह सारी नॉलेज अभी बुद्धि में है, यह नॉलेज सत्युग में नहीं रहती। दूसरा पॉइंट, कई मनुष्य ऐसे समझते हैं कि हम जो भी कुछ कर्म करते हैं, चाहे अच्छे चाहे बुरे कर्म करते हैं, उनका फल अवश्य मिलता है। जैसे कोई दान पुण्य करते हैं, यज्ञ हवन करते हैं, पाठ पूजा करते हैं, वो समझते हैं कि हमने ईश्वर के अर्थ जो भी दान किया वो परमात्मा के दरबार में दाखिल हो जाता है, जब हम मरेंगे तो वो फल अवश्य मिलेगा और हमारी मुक्ति हो जाएगी। परंतु यह तो हम जान चुके हैं कि इस करने से कोई सदाकाल के लिए फायदा नहीं होता, यह तो जैसे जैसे कर्म करेंगे उससे अल्पकाल क्षण भंगुर सुख की प्राप्ति अवश्य होती है, मगर जब तक यह प्रैक्टिकल जीवन सदा सुखी नहीं बनी है तब तक उसका रिटर्न नहीं मिल सकता। भल हम किससे भी पूछेंगे यह जो भी तुम करते आए हो ये करने से तुम्हें पूरा लाभ मिला है, तो यह सुनने से वो लाजवाब हो जाते हैं। अब परमात्मा के पास दाखिल हुआ या नहीं हुआ वो हमें क्या मालूम, जब तक अपनी प्रैक्टिकल जीवन में कर्म श्रेष्ठ नहीं बनी है तब तक कितनी भी मेहनत करेंगे तो भी मुक्ति जीवन मुक्ति प्राप्त नहीं करेंगे। अच्छा दान पुण्य किया लेकिन उस करने से कोई विकर्म तो भस्म नहीं हुए, फिर मुक्ति जीवन मुक्ति कैसे प्राप्त होगी। भले इतने संत महात्माएं हैं, जब तक उनको कर्मों की नॉलेज नहीं है तब तक वो कर्म अकर्म नहीं हो सकती, ना वह मुक्ति जीवन मुक्ति को प्राप्त करेंगे। उनको भी यह मालूम नहीं है कि सत धर्म क्या है और सत कर्म क्या है, सिर्फ मुख से राम राम कहना इससे कोई मुक्ति नहीं होगी। बाकी ऐसे समझ बैठना कि मरने के बाद हमारी मुक्ति होगी ऐसे को भी बेसमझ कहा जाएगा, उनको यह पता ही नहीं कि मरने के बाद क्या फायदा मिलेगा, कुछ भी नहीं। बाकी तो मनुष्य अपने जीवन में चाहे बुरे कर्म करें चाहे अच्छा कर्म करें वो भी इसी जीवन में भोगना है। अब यह सारी नॉलेज हमें परमात्मा टीचर द्वारा मिल रही है कि कैसे शुद्ध कर्म करके अपनी प्रैक्टिकल जीवन बनानी है। अच्छा, ओम शांति।